नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। एक बड़ी खबर लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। खबर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, क्योंकि देश में कोरोना जिस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, ऐसे में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, उनको मैं हालांकि सलाम करता हूँ, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से, ऐसे लोग जो आज भी कहीं ना कहीं बदनाम होने का काम किए हुए हैं। हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा था, मुआना CHC जो कि पहले मुआना PHC होता था, आज हमारी टीम ने वहाँ दौरा किया और लगभग 9:25 और 26 मिनट के आसपास टीम वहाँ पहुँची और टीम ने देखा कि हॉस्पिटल जो है बंद पड़ा था। यानी ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा PHC CHC जिसमें लगभग 20 के आसपास लोग जो है काम करते हैं, 20 से ज़्यादा का स्टाफ मुआना PHC में है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आप देखते हो, जब देश कोरोना से लड़ रहा हो और जो लड़ने वाले लोग हैं, जो लोगों को देखने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो घर बैठे नींद ले रहे हों, तो ऐसे में वो कैसे कोरोना से देश को बचा सकता है, कैसे कोरोना से वो प्रदेश को बचा सकता है, ये एक बड़ी लापरवाही जो है विभाग की सामने आ रही है। आप लगातार इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देख भी लीजिए। 9:25 पे ये तस्वीरें हमने ली थी और इन तस्वीरों में बिल्कुल हॉस्पिटल बंद पड़ा है। जो स्टाफ था या तो रात की ड्यूटी करके निकल चुका था या सुबह जिसने आना था वो नहीं आया, जिसकी वजह से यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है या किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि मुआना PHC में ना जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा, कई बार ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैंने पहले भी कई बार ऐसी खबरें उठाई है मुआना PHC को लेकर, लेकिन मुआना PHC का जो स्टाफ है वो है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये इसलिए होता है कि क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कोरोना की वजह से बड़े हॉस्पिटल्स में बिजी हैं, ऐसे में जो यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो विभाग के लोग हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और घरों में सोने का काम कर रहे हैं, ये जो कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं शर्मनाक तस्वीरें हैं ऐसे समय में। और मैं तो जो हरियाणा के गब्बर मंत्री हैं अनिल विज, उनके पास ये महकमा है, मैं तो चाहता हूँ कि वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हों और ऐसे अधिकारियों को ना बख्शे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।